सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब? आइयो अच्छे होंगे। मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो, अभी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है दोस्तों। देखो एक्सीलेटर तो ये लग चुकी है, सीढ़ियां भी बन चुकी है, साइड से ये बंद हो जाएगा। अब चलते स्टेशन का ऊपर दिखाते हैं चल के, अभी कौन कौन लेवल है। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो दोस्तों, और ये है मुरादनगर RRTS का स्टेशन दोस्तों। तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर ये लाइटें लगाई गई हैं दोस्तों। अभी फिनिशिंग का काम किया जा रहा है मुरादनगर RRTS के स्टेशन पर, यही काम चल रहा है। जितने भी स्टेशन अभी प्रेजेंट टाइम में अभी क्या खुलने वाले हैं दोस्तों, उन पर बस यही काम चल रहा है फिनिशिंग का। देखो पत्थर भी लग चुका है, मार्बल लगने का काम था वो भी लग चुका है दोस्तों। ये देख सकते हो आगे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाए गए हैं दोस्तों, वो भी बन चुके हैं। देख सकते हो यहाँ पर ये केबिन बनाया गया है जहाँ पर ये RRTS की टीम बैठेगी। देखो यहाँ पर भी ये जाली टाइप का लगा दिया इन्होंने। इसी तरीके से सारा काम चल रहा है। तस्वीर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से जोरों शोरों से यहाँ पर दिल्ली मेरठ RRTS का वर्क चल रहा है दोस्तों। स्टेशन को तैयार किया जा रहा है। देखो आप लोग ये कौन कौन से एरिए पर सारा काम हो चुका है दोस्तों। फिनिशिंग का काम अभी स्टार्ट हो गया है। और आप लोग बता दो बाहर की साइड से दोस्तों जो डिज़ाइन बनाया गया है, देखो ये बनाया जा रहा है डिज़ाइन, और इसके सारे जितने काम थे वो भी हो चुके हैं दोस्तों। देखो आप लोग किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है। और देखो ये सीढ़ियाँ हैं ऊपर जाने के लिए प्लेटफॉर्म लेवल पे, और जो इसके एंट्री एग्जिट पॉइंट है वो भी बनाए जा रहे हैं। देख सकते हो एंट्री एग्जिट पॉइंट बन चुके हैं, जो रूफ टॉप का स्ट्रक्चर है उसको लगाया जा रहा है दोस्तों। ये देखो आप लोग पार्किंग भी है उसमें, एंट्री एग्जिट पॉइंट भी बनाया जा रहा है। देखो ये बाहर का नज़ारा है जिस पर दोस्तों क्या इसका जो डिज़ाइन बनाया जा रहा है ना बाहर की तरफ से, वो है दोस्तों। देखो अब आ चुके हैं प्लेटफॉर्म लेवल पे, जिसमें स्क्रीन डोर्स ये लग चुके हैं दोस्तों। ऊपर का सारा रूफ टॉक और जितने भी कैमरेज हैं लाइटें हैं वो सब कुछ बन के कम्प्लीट हो चुका है दोस्तों। बस फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, ये फायर ब्रिगेड्स का जो काम है वो किया जा रहा है, बाकी तो सारा काम एकदम बन के कंप्लीट हो चुका है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन हो उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन भी जा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस केपी संत लाता रहता अपने चैनल पर, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन्जॉय करो। देख सकते हो ये RRTS की दो दो ट्रेनें खड़ी हुई हैं दोस्तों। देखो रैपिड रेक एक्स ये स्टेशन के ऊपर ही खड़ी हुई हैं दोस्तों, और ये आप लोगों को बता दूं ये ट्रेनें खड़ी हुई हैं दोस्तों दोहाई RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, जो दिल्ली के तराई काले खां से स्टार्ट होती है दोस्तों, और ये मेरठ के मोदीपुरम में जाके इसका एंड होता है दोस्तों। 82 किलोमीटर का ये रूट है दोस्तों। 82 किलोमीटर के रूट में आता है दोस्तों 12 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों अंडरग्राउंड है, और 70 किलोमीटर का पार्ट दोस्तों एलिवेटेड है जिस पर हम अभी खड़े हुए हैं दोस्तों। देखो कुछ यही वर्क चल रहा है दोस्तों, और ये बनाई जा रही है 30,274 करोड़ की लागत से दोस्तों, इसको बनाया जा रहा है, और सन 2025 की इसकी डेडलाइन है दोस्तों। देखो वहाँ पर वो खड़ी हुई है ना रैपिड रेल, देखो किस तरीके से वहाँ पर खड़ी की गई है। इनका ट्रायल रन चल रहा है दोस्तों, और आप लोगों को बता दूँ कि मुरादनगर से लेकर मुरादनगर मोदीनगर साउथ, मोदीनगर नॉर्थ और मेरठ साउथ के स्टेशन तक दोस्तों इस पर रैपिड रेल चलाई जानी है, जिसका ट्रायल रन चल रहा है अभी। ये देख सकते हो आप लोग स्क्रीन डोर्स लग के बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों, इसमें आना जाना हो चुका है ट्रेनों का सारा। देखो बिल्कुल आप लोग तो एकदम देख सकते हो क्लियर करके किस तरीके से यहाँ पर काम किया गया है दोस्तों, किया जा रहा है, प्लेटफॉर्म को बनाया जा रहा है दोस्तों। इसका कौन कोच भी और प्लेटफॉर्म लेवल भी दोनों को स्टैंड करने का काम किया जा रहा है दोस्तों, फिनिशिंग का काम किया जा रहा है, आने वाले टाइम में जल्द ही ख़त्म हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग ऐसे ही वीडियोस देखते रहो केपी संत के चैनल पर दोस्तों, केपी संत लाता रहता आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता। और आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा, ऐसे ही वीडियोस देखो केपी संत के चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखो दोस्तों केपी संत के चैनल पर। देखो क्या इन्फॉर्मेटिव वीडियो है जो आप सभी के लिए लेकर आए हो दोस्तों। चलते हैं एंड तक और दिखाते हैं चल के आप सभी को स्क्रीन डोर्स के। देखो ये शीशे रखे हुए हैं, ग्लास है दोस्तों, इसका ये पूरा फ्रेम होता है दोस्तों, उसमें ये शीशे को फिट किया जाता है जो दोस्तों इस पे लगे हुए हैं स्क्रीन डोर्स पर, स्क्रीन डोर्स के शीशे।
उन पर फ्रेम बना के फिर इनको लगाया जाता। देखो ये बाहर का नज़ारा भी आप लोग देख लो कि किस तरीके से एंट्री एग्जिट पॉइंट को बनाया जा रहा है, क्या काम किया जा रहा है, देखो आप लोग। और मैं ऐसे ही वीडियो आप लोगों को दिखाता रहता हूँ और बताता रहता हूँ कि क्या काम चल रहा है दोस्तों। अगला आप लोगों को अपडेट मिलेगा दोस्तों, मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन दिखाएंगे। वो थोड़ा सा लंबा चौड़ा है दोस्तों, 3 फ्लोर का है, उस पर चलेंगे और उसको आप लोगों का अगला अपडेट देखने के लिए मिलेगा दोस्तों। तो देखो ऐसे ही वीडियोस KP संत के चैनल पर। देखो सारे में ही लाइट पाइट सब कुछ लग चुका है दोस्तों, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है। देखो जितने भी एरो हैं वो भी लग चुके हैं, लाइटें हैं वो भी लग चुकी हैं, और जो इसके CCTV कैमरेज हैं वो भी लग चुके हैं दोस्तों। सब कुछ इसमें लग चुका है, बस फिनिशिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पर, वो भी जल्दी बन के तैयार हो जाएगा दोस्तों। तो ये स्टेशन आप सभी को कैसा लगा आप नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताना दोस्तों। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो KP संत के चैनल पर, जो कि मैं लाता रहता हूँ, आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता हूँ। तो यहाँ से चलेंगे नीचे, फिर आप लोगों को दिखाएंगे चल के कि आगे नीचे क्या काम चल रहा है। तो ये देख लो अभी यहाँ पर ये इसका यहाँ पर ये घोल किया गया है, यहाँ पर भरा जा रहा है सीमेंट। देखो यहाँ पर ये इतना हिस्सा बचा हुआ है, ये भी फिनिशिंग हो जाएगा दोस्तों, फिर इस पर पत्थर लगा दिया जाएगा जैसे कि इसी सीढ़ियों पर लगाए गए हैं दोस्तों। देखो कुछ यही काम चल रहा है, देखो आप लोग तो एंजॉय करो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। बनाया जा रहा है देख सकते हो स्टेयर्स के ऊपर दोस्तों, और इस पे एक्सीलेटर भी 140 सीढ़ियां भी लगा दी जा चुकी हैं दोस्तों। तो काफ़ी जोरों शोरों से काम चल रहा है अभी इस टाइम पे दोस्तों मुरादनगर RRTS के स्टेशन में, क्योंकि इन्हें मार्च के एंड में ऑपरेशनल करनी है, आम जनता के बीच में खोल दी जाएगी दोस्तों। तो इसी वजह से यहाँ पर बहुत तेज़ी के साथ में काम चल रहा है दोस्तों, और जो साइडों के डिज़ाइन हैं वो भी बनाए जा रहे हैं। देखो ये मशीनें लगी हुई हैं, ये देख सकते हो टीम यहाँ पर काम दिन रात कर रही है दोस्तों। देखो कुछ इस तरीके से बनाया जा रहा है ये स्टेशन का डिज़ाइन भी, और मैं आप लोगों को अगली जो अपडेट आने वाली है उसमें आप लोगों को अंदर का भी दिखाऊंगा, नीचे का भी दिखाऊंगा कि इस पर क्या क्या काम चल रहा है अभी इस टाइम पे। और ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए KP संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना, नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों। देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, किस तरीके से यहाँ पर रैपिड रेल को बनाया जा रहा है भाई साहब, बहुत तेज़ी के साथ में कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, क्योंकि अभी चुनाव आने वाले हैं और चुनाव आने से पहले इसको ऑपरेशनल कर दिया जाएगा मेरठ साउथ तक दोस्तों। देखो सारे में काम चल रहा है, देखो किस तरीके से यहाँ पर ये डिज़ाइन बनाया जा रहा है, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर काम चल रहा है, जोरों शोरों से भाई साहब तेज़ी के साथ में काम चल रहा है। मैंने तो भाई साहब कल्पना भी नहीं की थी कि इतनी तेज़ी के साथ में काम चल रहा होगा, क्योंकि पिछले अपडेट में देखो एक महीना पुराना जब आप लोगों को पता चलेगा दोस्तों कि किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है, बहुत ही जोरों शोरों के साथ में काम चल रहा है दोस्तों। 30,274 करोड़ की लागत से इसको बनाया जा रहा है, 82 किलोमीटर का रूट है दोस्तों, 82 किलोमीटर के रूट में से इसमें 12 किलोमीटर का पार्ट तो दोस्तों अंडरग्राउंड है, जैसे कि आनंद विहार में और मेरठ सेंट्रल के अंदर दोस्तों बेगमपुर वैशाली नगर ये सारे अंडरग्राउंड होने वाले हैं। देखो आप लोग देखो ये बायोडक्ट बनाया गया है जो कि बिल्कुल रेडी हो चुका है, और रेडी होने के बाद में देखो एक चीज़ और बताऊँ आप सभी को कि देखो अब ये ट्रैक कितना ऊंचा बनाया गया है, ये यहाँ से देखो आप लोग, देखो यहाँ तक तो ये यहाँ तक तो इसमें क्या सरियाओं का जाल बना कर फिर ये कंक्रीट से भरा गया, उसके बाद में ये ट्रैक स्लैब लगाया गया है, ट्रैक स्लैब लगाने के बाद में फिर इस पर ये पटरियाँ बिछाई गई हैं दोस्तों, और बीच में देखो ये रेलिंग लगी हुई है,
इस तरीके से ये रेलिंग लगाई गई है बीच में। बीच में रेलिंग लगाने के बाद में दोस्तों देखो इधर भी ये फुटओवर बनाया गया है देखो यहाँ पर चलने के लिए, ठीक है। और ये इलेक्ट्रिसिटी की वायर जा रही है, ये देख सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी वायर जा रही है क्योंकि करंट रहता है, ठीक है। और देखो ऊपर तो देखो जा ही रही है ये रही, देखो OHE वायर लगाने के बाद में सारा काम कंप्लीट होकर और इस पर ट्रायल रन चल रहा है दोस्तों। और आप लोगों को बता दूँ जो जगह है दोस्तों ये है मोदी नगर साउथ तो RRTS के स्टेशन के बगल में दोस्तों। देखो कुछ ये नज़ारे हैं यहाँ के और मैंने क्यों ना दिखाया, मैंने तो आप लोगों को दिखा, देखो काफ़ी ऊँचा बायोडक्ट है दोस्तों। देखो यहाँ पर भी इसमें भी रेलिंग लगाई जाएगी, अभी ये जगह खाली बची हुई है। और देखो ये जो बायोडक्ट का जो बरसात का पानी है वो यहाँ से जाया करेगा, ये देखो इतना ये पानी उतर जाएगा और फिर नीचे से पाइप के थ्रू निकल जाया करेगा। तो यही है पूरा बायोडक्ट, घर दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पर ये टीम लगी हुई है जो कि इस रेलिंग को लगा रही है, ये जो रेलिंग है ना जिसको लगा रही है दोस्तों।
है दोस्तों वो भी बनाया जा रहा है। काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इधर का, और इधर देखो ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो यही नज़ारा है। और इधर ये पार्किंग बनाई जा रही है, देखो काम भी चल रहा है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये पार्किंग है दोस्तों, ये देखो, तो जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी। देखो ये दीवार उठाई जा रही है, ठीक है आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो क्या विशाल सीढ़ियाँ बाहिसब चमक रही हैं, ये देखो मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है। प्लेटफॉर्म लेवल तो देख सकते हैं इधर, तो आप लोगों को बता दूं दोस्तों स्टेयर्स बनाए जा रहे हैं जो कि कॉन्कोर्स लेवल की बन चुकी हैं, प्लेटफॉर्म लेवल की। अब देखो सीढ़ियां बनाई जा रही हैं दोस्तों, देख सकते हो शटरिंग लगी हुई है और इसमें बीम डालने का काम किया जा रहा है दोस्तों। ऐसे ही वीडियोस में आप लोगों के बीच में ला, देखो ये दीवार उठाई जा रही है, ठीक है आगे दिखाते हैं चल के आप सभी को। देखो क्या विशाल सीढ़ियाँ बाहिसब चमक रही हैं, ये देखो मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन पर दोस्तों, ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है। देखो इधर ये पार्किंग है सारी, इसकी पार्किंग बनाई जा रही है, ये देखो इधर पार्किंग का काम चल रहा है, और इधर देखो ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं इस तरीके से। देखो सारा काम हो चुका है सारा, इधर अभी दीवार लगेगी, इधर भी काम चलेगा दोस्तों, कुछ ऐसा ही बनाया जा रहा है। ये है दोस्तों मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन, तस्वीरें आप लोग देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाने का काम किया जा रहा है दोस्तों। सारा काम कंप्लीट हो चुका है स्टेशन का सारे में, देखो स्टेयर्स भी लगा दिए जा चुके हैं, और इसके जो डिज़ाइन है दोस्तों वो भी बनाया जा रहा है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है इधर का। और इधर देखो ये सीढ़ियाँ बनाई जा रही हैं, तो यही नज़ारा है। और इधर ये पार्किंग बनाई जा रही है, देखो काम भी चल रहा है, तो काफ़ी लंबी चौड़ी ये पार्किंग है दोस्तों, ये देखो, तो जल्दी बन के कम्प्लीट हो जाएंगी ये। देखो इधर ये नया ड्रेनेज भी बनाया गया है, ये देख सकते हो इधर भी बनाया जा रहा है, इधर भी बनाया जा रहा है, तो इधर देखो ये डबल जोड़ा गया है, एक उस साइड में जोड़ा गया, एक इस साइड में जोड़ा गया, तो दोनों साइडों से ही ये एंट्री एग्जिट पॉइंट तो जोड़ा जा रहा है दोस्तों। मैं आप लोगों को दिखाई देता हूँ किस तरीके से जोड़ा गया है, देखो आप लोग इधर की भी तस्वीर है, देखो ये स्क्रीन डोर्स उतारे जा रहे हैं दोस्तों, देखो कुछ ऐसा ये मेरठ साउथ RRTS का स्टेशन है दोस्तों। ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से यहाँ पर ये स्टेशन का निर्माण किया जा रहा है दोस्तों, एंट्री एग्जिट पॉइंट का, तो कैसे पार्किंग यहाँ पर बनाई गई है तस्वीरें देख सकते हो आप लोग। देखो दोस्तों ये है पार्किंग, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है ये मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन की दोस्तों, देख सकते हो अभी ये वाला मकान टूट जाएगा, तो ये कुछ ऐसा स्टेशन है ये, देखो पूरे में ही पार्किंग, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग बनाई जा रही है दोस्तों, काफ़ी लंबी चौड़ी पार्किंग है देख सकते हैं आप लोग। तो ये पार्किंग का काम चल रहा है इधर, और इधर देखो ये मेरठ साउथ RRTS के स्टेशन बनाया जा रहा है, ये देख सकते हैं आप लोग किस तरीके से बनाया जा रहा है, और इसका भी मैं अपडेट आप लोगों को ऊपर स्टेशन का देखने के लिए मिलेगा अगले वीडियोज़ में दोस्तों। ये देखो तो उधर अभी क्या
इधर इनके स्ट्रक्चर पर लगाया जा रहा है दोस्तों, जो डिजाइन बनाया जा रहा है ना उसके स्ट्रक्चर लगाने का काम किया जा रहा है, फिर इसके बाद में स्ट्रक्चर का सेट लगाया जाएगा और ये एंट्री एग्जिट पॉइंट बनाया जा रहा है। देखो ये जितने भी जो पिलर्स थे वो खड़े कर दिए हैं और उसके बाद में ये बीम डालने का काम किया जा रहा है, शटरिंग लगी हुई है दोस्तों। इस तरीके से यहाँ पर ये काम चल रहा है। आप लोग बताना कि आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही वीडियोज़ देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक आप लोगों ने तो कर लेना, नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना, तुरंत बेल आइकन बजा देना, चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो केपी संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत गाइस।